शाजापुर जिले के कालापीपल क्षेत्र से युवक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता ने पहले ही दिन प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों के लिए बिजली की कमी, बड़े हुई बिजली बिल और जले हुए ट्रांसफार्मर की बदली में हो रही देरी, ऐसी कई मुद्दे पर जमकर बोले और इन्हीं समस्याओं पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जाहिर है कि प्रदेश में किसानों के बदतर हो रहे हालात पर युवा कांग्रेस तेज रुख पर आ गई है। कालापीपल में विधायक कुणाल चौधरी के नक्शे कदम पर तेज और तर्रार प्रवक्ता हुकुम पठारिया ने नियुक्ति होते ही मैदान संभाल लिया है। मंगलवार को प्रवक्ता ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान कालापीपल के पूर्व सरपंच दिनेश शर्मा, रमेश मालवीय सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती और किसानों को पर्याप्त मात्रा में पहले डीएपी नहीं मिला और अब यूरिया के लिए किसान को चार चार दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। जब एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो किसानों को अपने खेत में पलेवा करने के लिए लगभग 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब मांगों के साथ में हमने किसानों के समर्थन में आज एनएसयूआई के माध्यम से और युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आज माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करें, वह अन्यथा इसके एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस द्वारा बहुत जल्द ही बड़ा ही आंदोलन किया जाएगा इन सब मांगों के पत्र। कालापीपल से प्रतीक देशमुख की रिपोर्ट।